आज यमुना पुलन के इस विशिष्ट स्थान को देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी अबला को पुत्र ना हो, पुत्र पैदा हो जाए, उसको अपार हर्ष होता है। मैं मथुरा यमुना पुलन को देखकर उस अपार हर्ष को प्राप्त कर रहा हूँ और मेरे जीवन का यह अभिलाषा है और जन जन से मेरी प्रार्थना है, इस यमुना मिशन के माध्यम से जो वृक्षारोपण हो रहा है इसमें अति आवश्यक है कि हृदय से परमात्मा से प्रार्थना करें कि यह वृक्षारोपण हमारे ब्रज की धरोहर, हमारे भारत के लिए एक अनोखी छटा बने, ताकि हमारे जो ब्रज का दर्शन करने आते हैं उनको ऐसा लगे कि आज भी ब्रज वृंदावन मथुरा वृक्षावली से सजा हुआ है। वृक्षारोपण की एक जो विधा है यह यमुना पुल में जो हो रहा है यमुना मिशन के नाम से, मैं किन शब्दों से इनको आशीर्वाद दूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह वृक्ष जनरेशन हमारे जीवन का एक साथ बने, जिससे कि समाज के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ सुंदरता का निर्माण हो और यह पावन पुलिन जन जन की भावना को बदल दे। हमारे मथुरा निवासी इसमें पूर्ण सहयोग करें ताकि यह वृक्ष सदैव बने रहें, इनकी सेवा सुषुप्ता एक संतान की तरह की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राधे, जय श्री बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश की जय, जमुना महारानी की जय, जय जय श्री राधे। श्री यमुना महारानी की कृपा से मैं श्री वृंदावन धाम से आया, श्री शालिग्राम कुटी मयूर विहार कॉलोनी कैलाश नगर के पास। यहाँ आकर के जो मैंने दर्शन करके अनुभव किया, तो मैंने जो भागवत में, अन्य ग्रंथों में, पुराणों में यमुना जी के स्वरूप का, यमुना के पुलिन का जो वर्णन सुना है, वो यमुना मिशन के द्वारा जो वर्तमान में स्थिति देख करके मुझे में पूर्व की स्थिति का, पूर्व के ग्रंथों में जो चरित्र चित्रण किया गया है उसका दर्शन मुझे वर्तमान में दिखाई पड़ा। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यमुना मिशन के द्वारा ये कार्य चलाया जा रहा है। अभी तो श्री गणेशाय हुआ है कुछ ही दिनों से, लेकिन आगे चल करके ये यमुना मिशन का जो कार्य है एक लोकोत्तर, लोक में प्रसिद्ध होने वाला ये कार्य है और देश में विदेश में सब जगह इसका नाम होगा। और जो यमुना जी का जो स्वरूप है, जो ग्रंथों में वर्णन है, वो आगे चल करके हमें वही दिव्य भव्य स्वरूप दर्शन करने को मिलेगा। ऐसे मैं भी यमुना महारानी जी से, ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि यमुना मिशन उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर प्राप्त हो, संत भक्त लोग आकर के उसका आनंद ले और सब लोग को आनंद दे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
जी